मुझे बताओ ये सिंडिकेट वालों को बदलने का काम आप करोगे या नहीं करोगे? जरा जोर से बोलो, बदलेंगे क्या? जोर से बोलिए, माताएं भी बोले, बदलेंगे क्या? परिवर्तन करेंगे? मित्रों परिवर्तन, हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो, हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो, हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए मित्रों। परिवर्तन यात्रा का मतलब है मछुआरे भाइयों को अपनी नाव चलाने के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। जंगल में आदिवासियों को रहने के लिए कट मनी न देना पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय, अम्फान के समय आपका अधिकार कोई और न ले जाए, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों किसानों की फसल का सही दाम किसानों को मिले, बिचौलियों को न मिले, इसको परिवर्तन कहते हैं। और यहां पर जो तुष्टिकरण चल रहा है वो तुष्टिकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों इसको परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन गंगा सागर को सम्मान देने का परिवर्तन है, यहाँ के मछुआरों की स्थिति में बदलने का परिवर्तन है, यहाँ जंगल में रहने वाले भाइयों की स्थिति को बदलने का परिवर्तन है। और मित्रों आप मुझे बताओ, बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार है कानून और व्यवस्था ठीक रह सकती है क्या? जोर से बोलो, रह सकती है क्या? पीछे वाले बोले, रह सकती है क्या? और जोर से बोलो, रह सकती है क्या? बंगाल विकास के रास्ते पर जा सकता है क्या? मित्रों आपने ऊपर एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, एक बड़े इंजन को बंगाल के विकास के लिए दिल्ली में बिठाया है, मगर यहाँ की सरकार वो इंजन को काम नहीं करने देती। आप एक बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए, ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। मित्रों आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बंगाल की जो स्थिति इन्होंने करी है वो स्थिति इतनी बदतर है, आर्थिक व्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि बंगाल के सारे सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नहीं मिलता है। मैं आपको कहने आया हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। मैंने अभी एक दृश्य देखा, कमर जितने पानी में नहर में हमारे शिक्षक भाई बहन अपनी तनख्वाह के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपके सारे बंगाल के सारे शिक्षक भाइयों को बताना चाहता हूं कि बंगाल सरकार आते ही आपको उचित मानधन मिले, इसके लिए एक कमिटी का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सरकारी नौकरियों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। मित्रों आज मैं आपको बताने आया हूं कि ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र के अंदर हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद
हर मछुआरे को लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मछुआरों के उत्पाद का सही दाम मिले इसके लिए फिशरमैन प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की तरह मछुआरा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन करकर आपके उपज का सही दाम मिले इसके लिए राज्य कक्षा के मंत्री का एक मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनाएगी। और ये अपना 24 परगना क्षेत्र है उसको सी फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिससे सारा आपका उपज प्रोसेस होकर आगे बढ़ता जाए। मित्रों, ये गंगा सागर उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं। और गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे। और जो मेला लगता है उत्तरायण के दिन 14 जनवरी के दिन, वो मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का हम दर्जा देकर पूरे दुनिया भर के यहाँ पर टूरिस्ट आए इस प्रकार की बात करेंगे। मित्रों, ममता दीदी ने कहा था कि हम मत्स्य न्याय लागू करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मत्स्य न्याय तो नहीं हुआ, आपकी सिंडिकेट मछुआरा भाइयों की मछली खा लेती है, उससे कम से कम 10 साल में बचाने का आप काम करती। इन्होंने कुछ महीनों के लिए बहुत सारी योजनाएं डिक्लेयर की मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब आप सबको कहना चाहता हूं कि इन्होंने इंटीग्रेटेड फिशरी जोन बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। सुंदरबन को अलग जिला बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। झारखली में पर्यटन संरचना बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। और अम्फान के बाद मोदी जी ने जो पैसा भेजा, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। मैं आज यहां आप सबको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करेंगे।